न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। तेलंगाना में गैस सिलेंडर फटने से 2 की मौत। तेलंगाना के मेडक जिले में मंगलवार देर रात रसोई गैस सिलेंडर फटने से विस्फोट होने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी है। LPG सिलेंडर फटने से घर में आग फैल गई है और उसमें 6 साल की बच्ची और उसकी 60 साल की दादी की मौत हो गई है। घटना मेडक जिले के चिन्ना शिवपुर नगर की बताई जा रही है और मृतकों की पहचान मधु और उसकी दादी अंजम्मा के रूप में हुई है। विस्फोट के चलते घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। पुलिस के अनुसार हैदराबाद में 2 बेटों के साथ रहने वाली अंजम्मा मंगलवार को अपनी पोती के साथ राशन की दुकान लेने के लिए चावल लेने के लिए वह मासिक पेंशन लेने के लिए गाँव से आई थी और आधी रात को धुएं हुए जोरदार धमाके के कारण गांव में दहशत का माहौल फैल गया है और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किया था। पुलिस को संदेह थे कि वह गैस रिवास को कारण दुर्घटना हुई थी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले दर्ज करके जानकारी लेने के लिए सज्ज है। सलमान खान की फिल्म का टीजर हुआ लीक। सलमान खान और शाहरुख खान के बॉन्ड से दुनिया वाकिफ है और भले ही कुछ साल पहले दोनों की कथित दुश्मनी थी, लेकिन फिलहाल दोनों की अच्छी दोस्ती है। यही वजह है कि बॉलीवुड में भाईजान और किंग खान एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे। पठान के साथ ही किसी का भाई किसी की जान का टीजर रिलीज कर दिया गया है और यह इस टीजर में दबंग खान का अलग अंदाज देखने को मिलने वाला है। टीजर में सलमान खान को जबरदस्त एक्शन करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी भाईजान दबंग खान कई फिल्मों में एक्शन करते हुए नजर आ चुके हैं, लेकिन किसी का भाई किसी की जान में वह पूजा हेगड़े संग रोमांस भी करते हुए नजर आने वाले हैं। वह शहनाज गिल भी नजर आने वाली है और पावरफुल परफॉर्मेंस देखने के बाद वह अनपल में भी नजर आने वाले हैं। और टीजर में सलमान खान के साथ शहनाज गिल भी दमदार अवतार में दिख रही है। शहनाज को फिल्म को देखकर फैंस काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। शहनाज के साथ फिल्म का टीजर राघव जुयाल, पलक तिवारी और जस्सी गिल भी नजर आने वाले हैं। गर्दा उड़ाने को तैयार पठान। जानते हैं मंगलवार को कैसा रहा थुनिवू, वारिसू और वेड का हाल। वेड रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की अभिनीत फिल्म वेड दर्शकों को खूब आकर्षित कर रही है। इस फिल्म के जरिए रितेश और जेनेलिया की जोड़ी वह वर्षों के बाद एक साथ नजर आने वाली है। इस फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो शुरुआती आंकड़ों के अनुसार वेड ने मंगलवार को 47 लाख रुपए का कलेक्शन किया है और इस फिल्म का कुल कलेक्शन 56.18 करोड़ रुपए हुआ है। थुनिवू कुछ दिनों पहले रिलीज हुई सुपरस्टार फिल्म की साउथ फिल्म थुनिवू पर टक्कर वारिसू दे रही थी और आलम यह रहा है कि पहले दिन दोनों स्टार प्रशंसक सिनेमाघरों में आमने सामने आ गए थे और हालांकि कमाई के मामले में पहले दिन से ही विजय की फिल्म बढ़त पे रही है और कलेक्शन की बात करें तो शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 14वें दिन को इस फिल्म के सोमवार को मुकाबले हल्की सी गिरावट देखने को मिली है और उन्होंने 1.20 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया था। इस फिल्म में कुल कलेक्शन 108.30 करोड़ रुपए का हुआ है। वारिसू एक्टर विजय और अभिनेत्री दर्शमिका मंदन्ना की फिल्म वारिसू को दर्शकों ने खूब प्यार मिला है और बता दें कि वमसी पेदीपल्ली के निर्देशन में बनी यह फिल्म पोंगल के अवसर पर रिलीज हुई थी। ओपनिंग डे पर ही फिल्म को दर्शकों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और शुरुआती आंकड़ों के अनुसार इस फिल्म ने मंगलवार को 2.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वहीं शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार आधार पर यह बुधवार को इस फिल्म ने 1.26 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। बता दें कि इस फिल्म का कुल कलेक्शन 155.59 करोड़ रुपए हुआ है। अवतार द वे ऑफ वाटर। जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और उसके छलांग ही देखने को मिल रही है। कलेक्शन की बात करो तो अवतार द वे ऑफ वाटर ने 40वें दिन 41 लाख रुपए का कलेक्शन किया है और इस फिल्म की कुल कलेक्शन 391.78 करोड़ रुपए हुआ है। पठान। शाहरुख खान करीब 4 साल के इंतजार के बाद सिक्वल स्क्रीन पर धमाका मचाने के लिए तैयार है। फैंस के बीच पठान का जबरदस्त क्रेज है। फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग के लिए जरिए वह अंदाजा लगा जा सकता है कि एडवांस बुकिंग के मामले में किंग खान के इसी फिल्म के सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और फिल्म पठान की एडवांस बुकिंग के होने वाली कमाई करीब 24 करोड़ रुपए अधिक हो चुकी है और पठान की मंगलवार सुबह 8,05,1900 8,05,915 टिकटें बिक चुकी है और शाहरुख खान की फिल्म ने तेलुगु और तमिल भी एडवांस बुकिंग कर रही है। और शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म की ओपनिंग 40 से 50 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।